बारूदों के रास्ते पर सांसें आती जाती हैं जी। सिर्फ बस्तर की सड़क ऐसी है जिसमें एक कंटेंट और जुड़ता है, उसमें खून भी चाहिए होता है। बस्तर की जो छवि है जो नकारात्मक बनी हुई है जी, इसमें आधा हकीकत आधा फसाना भी है। आपके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में खासकर, और इन सब के बीच में वो आदिवासी भी हैं जिनके लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं। बस्तर की एक सच्चाई यह भी है कि उसकी छवि बेहद नकारात्मक है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको माओवादियों को छोड़कर आदिवासियों पे फोकस करना चाहिए। माओवादी कोई इंसान तो है नहीं, एक विचारधारा है जी, और विचारधारा को विचारधारा से ही समाप्त करना होगा आपको। माओवादियों से अगर कोई एक बार मिल लेता है तो माओवादी उसके नाम की एक गोली अलग से रख दिया करते हैं। और वहाँ हैंडपम्प रिपेयरिंग के नाम पे 50 लाख रुपए खर्च किया गया है जी। सरपंच तेलंगाना में रहता है, कभी आया नहीं आज तक गांव में, गांव के लोगों ने वोट ही नहीं दिया। बस्तर में दो सरकारें चलती हैं, एक तो लोकतांत्रिक सरकार और एक जनताना सरकार। जिस परिस्थिति से जिस स्थिति से आप नजर डालेंगे तो बस्तर आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत ही नजर आएगा जी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है।